उत्तराखंड के बाद राजस्थान के करौली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने करौली को भक्ति और शक्ति की धरती बताया। इन पवित्र दिनों में मुझे कैला मैया के चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला है। मैं मेदिनीपुर बालाजी, मदन मोहन जी और भगवान महावीर जी को भी प्रणाम करता हूं। करौली में प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे शरीर का कण कण और जीवन का पल पल 140 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल हर क्षण देश के लिए है, पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। करौली से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया, कहा जनता की मजबूरियों में कांग्रेस मुनाफा खोज चुकी है। जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना, कहा मोदी को चाहे जितनी धमकियां दो लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले, मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का दिखा अनोखा अंदाज, ऋषिकेश में पीएम ने डमरू बजाकर शुरू किया चुनावी प्रचार। हमारी अध्यक्षा महिला मोर्चा, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस कहती थी ओआरओपी में 500 करोड़ देंगे, हमने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की। पीएम ने कहा सरकार कमजोर होगी तो दुश्मनों को फायदा होगा, आज मोदी की मजबूत सरकार में आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस के वक्त सैनिकों के से पास दुश्मनों की गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, आज देश में युद्धपोत तक बन रहे। देश के टॉप ई स्पोर्ट्स गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री का संवाद, गेमिंग और युवाओं की आकांक्षाओं पर बात, भविष्य के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कुछ गेम्स पर हाथ भी आजमाए, 13 अप्रैल को जारी होगा पीएम का पूरा वीडियो। राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में रैली की, किसानों के कर्जा माफी, बेरोजगारी के 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख कैश के पुराने वादों को लेकर प्रधानमंत्री पर वार किया। इंडिया हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में उतना ही अदानी देता है। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, अब तक ईडी केस में हिरासत में थी बीआरएस नेता, अब सीबीआई करेगी पूछताछ। मध्य प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, मंडला में की जनसभा। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सपने में भी सत्ता में नहीं आने वाली। अमित शाह ने कहा कश्मीर को भारत से कोई नहीं छीन सकता, 370 की तरफ देखने को भी ना सोचे। धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ। अमित शाह ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा भारत का कूटनीतिक परचम लहरा रहा है, महान भारत की रचना के लिए वोट दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा अगर आतंकवाद का सहारा लेकर पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर
यदि वह भारत को डिस्टर्बलाइज करने की अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की सलाह, कहा अगर पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं कर पा रहा तो हमें बताएं, हम मदद को तैयार। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार, पुलवामा में एक आतंकी ढेर, बारामूला में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, लश्कर के 3 सहयोगी गिरफ्तार। सतना में आयोजित विशाल जनसभा कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने हिस्सा लिया, रक्षा मंत्री का स्वागत कर भेंट की तलवार। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत में रामराज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। पोर्ट ब्लेयर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया नड्डा ने, सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा की, कहा आपने कांग्रेस की राजनीति देखी, गंभीर परिस्थितियों में कांग्रेस को गायब होते हुए देखा। नाली में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया, बुजुर्ग मतदाताओं के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। मीसा भारती के प्रधानमंत्री को धमकी वाले बयान को टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया चुनावी बयान, का आक्रामक प्रचार में ऐसी बातें होती रहती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये जो उनका इरिटेशन है उसका जवाब तो अभी फिलहाल एग्रेशन से दिया जा सकता है, मैं समझता हूँ इसमें ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल से अपने खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया का स्वागत किया, कहा पहले पवन सिंह की चर्चा थी, वो मैदान में नहीं आए, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, ये व्यक्ति और पार्टी का अपना फैसला। शत्रुघ्न सिन्हा ने अहलूवालिया के विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाने पर कहा मैं अपने बर्तन पहचानता हूं, लंबे अरसे तक उस पार्टी में रहा हूं, तुष्टीकरण कौन करता है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, तुष्टीकरण कौन लोग कर रहे हैं दुनिया जानती है, कौन सी पार्टी उस पार्टी में उनसे ज्यादा मैं रह चुका हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों को या यूं कहूँ कि मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री पर किया वार, कहा जनता ने इंडिया गठबंधन को दिया मौका तो पीएम समेत जेल में होंगे बीजेपी के सभी नेता। के अंदर बंद हूँ, अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हूँ। मीसा भारती ने कहा विपक्ष के रोजगार एमएसपी के वादे में बीजेपी को दिख रहा तुष्टीकरण, जनता जवाब देगी। मीसा भारती ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, बोली मेरे पिता पर जाने क्या क्या फिजूल आरोप लगाती है बीजेपी, लेकिन चुनावी बॉन्ड है भ्रष्टाचार का असली मुद्दा, परिवारवाद को लेकर पीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का मीसा भारती पर पलटवार, कहा हुकूमत करेंगे हम और कार्रवाई करेंगे वो, बोले बिहार में 40 और देश में 400 सीट जीतने जा रही है बीजेपी। ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार की 40 और देश में 400, ये सीट 4 तारीख को आने वाला है और ये तय हो गया है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मीसा भारती पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का पलटवार, कहा वो पहले खुद को अपने परिवार को देखें, पूरा परिवार घोटाले में फंसा है। पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए, इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने कहा विपक्ष के प्रचार का स्तर इतना गिरता जा रहा कि वो पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल का केजरीवाल सरकार पर नया एक्शन, निजी सचिव विभव कुमार को पद से हटाया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की, 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला, केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर सवाल उठाए।
अरविंद केजरीवाल ने जेल से भेजे दो संदेश। 14 अप्रैल को आम आदमी पार्टी केंद्र के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ तानाशाह हटाओ नाम से शुरू करेगी अभियान। आप नेता अमानतुल्लाह की बड़ी मुश्किलें, गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट पहुंची ईडी, मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई। लखनऊ में ईद उल फितर से जुड़े समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद। हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति, यहां हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। बीजेपी के मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने के लिए मिशन के तहत ईद समारोह में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सबका साथ सबका विकास का दोहराया वादा। ईद के मुबारक मौके पर पूरे प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके हक और हकूक के लिए लगातार काम करती रहेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय दल बताकर उड़ाया मखौल, का उनका घोषणा पत्र पढ़ना ही लगता है मजाक। विदिशा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, कहा आम आदमी की भावना को नहीं समझने से अप्रासंगिक हो गई है कांग्रेस पार्टी। शिवगंगा में कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदम्बरम ने किया चुनाव प्रचार, लोगों से की कांग्रेस को वोट करने की अपील। यूपी सरकार में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सहारनपुर में की जनसभा, इमरान मसूद को चुनौती दी, कहा जिस भाषा में कहोगे उस भाषा में जवाब दूंगा। चिक्कामगलुरु में सीटी रवि ने बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा दक्षिण भारत में बीजेपी हासिल करेगी ज्यादा सीटें, कर्नाटक में 28 सीटें जीतेगी बीजेपी। बर्दवान में टीएमसी प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने किया चुनाव प्रचार, कहा बंगाल में हारने वाली है बीजेपी, 42 सीट में बीजेपी को नहीं मिलने वाली एक भी सीट। अलवर में बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना कर रोड शो किया, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं का जोश हाई। हुगली में बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान लोकल ट्रेन में यात्रा के मुसाफिरों से बात की। एमपी के मऊगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की, कहा बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। राजगढ़ में एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा, कहा वो कह रहे उनका आखिरी चुनाव के लिए आने वाली पीढ़ी को दांव पर लगा दे क्या। तेलंगाना भवन में महात्मा ज्योतिबा फुले की याद में समारोह आयोजित, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कार्यक्रम को में हिस्सा लिया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर शानदार खबर, एडीबी ने 6.7% की जगह 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया, मजबूत निवेश और उपभोक्ता मांग के चलते उम्मीद बढ़ी। हवाई जहाजों की उड़ानों में देरी से यात्रियों को मिलेगी राहत, डीजीसीए ने उड़ान ड्यूटी के लिए नए नियम लागू करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिए, पायलट्स को आराम के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। 12 मई को खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट, श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए मास्टर प्लान तेजी से तैयार हो रहा। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पहुंच रहे टूरिस्ट, बाघ का दीदार कर उत्साहित दिखे सैलानी। कानपुर देहात में बेटी के जन्म लेने पर मनाई गई खुशी, नन्ही परी के घर में प्रवेश के दौरान उतारी गई आरती, पूरे गांव को दी गई दावत। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन माहौल हुआ भक्तिमय, माता चंद्रघंटा की आरती और पूजन में जुटे पुजारी और भक्त। सुंदर कपड़ों से किया गया माता का श्रृंगार, पुजारियों ने विधि विधान के साथ उतारी माता की आरती, माता का पूजन किया। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने मां की पूजा की। फतेहपुर शेखावाटी में गणगौर पर्व की धूम, महिलाओं ने गणगौर की पूजा की। फतेहपुर शेखावाटी में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह, पारंपरिक गीतों पर महिलाओं ने डांस किया। अयोध्या में ईद के मौके पर देखिए आपसी सौहार्द की तस्वीर, राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने इकबाल अंसारी के घर जाकर ईद की मुबारकबाद दी। समस्तीपुर में ईद मिलन समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में नजर आए आरजेडी विधायक शाहीन, लोगों के चेहरे पर ईद की खुशी दिखाई दी। आगरा के ताजमहल मस्जिद में अकीदत से पढ़ी गई ईद की नमाज, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। गढ़वा में झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुस्लिम धर्म गुरु को ईद की मुबारकबाद दी, युवाओं को गले लगाया, बच्चों को दुलार किया। ईद के मौके पर मुजफ्फरपुर में अमन चैन की मांगी गई दुआ, मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अदा करके ईद की मुबारकबाद दी। देशभर में आज मनाया जा रहा ईद का पर्व, राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने ईद की बधाई दी। ईद पर्व पर दिल्ली की जामा मस्जिद पर नमाज के लिए उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। दिल्ली में बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने पार्लियामेंट रोड पर अदा की नमाज, लोगों को ईद की बधाई दी।
दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद में मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज अदा की। बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी।